जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चे, आज का है लेक्चर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले पीरियोडिक टेबल के हम दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे तो आप कृपया करके मेरे पे भी और आप पे भी लेक्चर देखिए दोनों, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए आपका पी ब्लॉक के बारे में, कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। यदि हम बात करें पी ब्लॉक में बेटे ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के सारे एलिमेंट आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक के, और कुल मिला के टोटल कितने एलिमेंट हो जाते हैं, 36, 36 एलिमेंट। तो हम एक एक ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें ग्रुप नंबर 13 के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर 13 को क्या बोला जाता है, बोरॉन फैमिली। अब बोरॉन फैमिली क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें कौन सा एलिमेंट है आपका, बोरॉन, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, बोरॉन फैमिली बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी निकल कर आती है। तो देखिए इसकी क्या ट्रिक थी, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला नियोनियम, या नहीं चाहिए कुछ भी। देखिए आपको मैंने कहा था 20, जो आपका एटम नंबर 20 तक के जितने भी एलिमेंट उनका एटम नंबर पता होना चाहिए, एटम नंबर 20 तक के। देखो बोरन का आपको पता ही होगा आई थिंक 5। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो कितना एटम नंबर गया, 5। सेकंड से थर्ड में जाने के लिए हमने क्या कहा था, कितना करना, +8 करना है। फिर अच्छे कितना करना आपको यहाँ पे, +18। फिर क्या करना चाहिए आपको, 18। फिर क्या करना चाहिए आपको, 32। फिर क्या करना चाहिए आपको, 32। ठीक है, 2 8 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, वो इस तरह चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम इसकी जितने प्रॉपर्टी वो सब बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं आप बच्चे एल्यूमिनियम। तो चलिए एल्यूमिनियम की क्या क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो सारी चीजें हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम का यूज कहाँ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर है, जो बच्चे वायर होते हैं किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं बहुत बार के ज्यादातर एल्यूमिनियम का। तो बच्चे बिजली के तार बनाने में किसका यूज होता है, बच्चे एल्यूमिनियम का यूज होता है। ठीक है, सेकेंड, यूटेंसिल मतलब बर्तन बनाने के लिए, बच्चे एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं ना, बिल्कुल, तो और इसका यूज कहाँ होता है, बच्चे यूटेंसिल बनाने के लिए, बर्तन बनाने में, और साथ साथ में इसका यूज कहाँ होता है, अच्छे एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एक तो स्ट्रांग होता है और लाइट वेट का होता है, इसलिए एरोप्लेन की बॉडी बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की बनाई जाती, नहीं, लेकिन वहां पे कुछ अमाउंट में एल्यूमिनियम भी यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलियम की। देखिए गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको यदि आप हथेली पे रखते हो, जनरली तो वो ये सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन जैसे आप इसको अपनी हथेली पे रखते हो तो ये गैलियम क्या करेगा, हमारी हथेली की, हमारी पाम की हीट लेके, हमारे हाथ में हीट होगी, उस हीट को लेकर बच्चे क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि पाम की हीट से, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बच्चे कौन सा, गैलियम। ठीक है, दो ऐसे एक सीजियम भी आ जाता है इसमें। तो व्हेन वी होल्ड द सीजियम एंड गैलियम ऑन आवर पाम, हीट इज रिलीज फ्रॉम आवर पाम ड्यू टू विच सीजियम एंड गैलियम टर्न इन टू द लिक्विड स्टेट। बिल्कुल, दोनों एलिमेंट याद रख लेना बच्चे, कौन कौन से, सीजियम और गैलियम। जैसे इनको हम हमारी हथेली पर रखते हैं तो हमारी हथेली की हीट से बच्चे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट सॉलिड से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 14 की।
ग्रुप नंबर 14 को अच्छे हम क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर 14 को बोलते हैं अच्छे क्या, कार्बन फैमिली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सबसे कौन सा एलिमेंट आ गया, कार्बन। क्या अट्रैक्ट है इसकी बच्चे, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरियम। तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए अच्छे यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन पीरियड के एलिमेंट है। मैंने कहा था सेकंड से थर्ड के लिए कितना करना है, प्लस एट कर दो। फिर तीन से चार के लिए अच्छे प्लस 18 कर दो। फिर अच्छे कितना कर दो, प्लस 18, फिर प्लस 32 और फिर प्लस 32। आपके एलिमेंट का एटो नंबर आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एटो नंबर नहीं पूछेगा, पूछे क्या यहाँ पे, इनकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि जो जो एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करना चाहिए कार्बन के बारे में, कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन की और बेसिकली हम जितने भी प्रॉपर्टी थे उन सबको डिस्क्राइब करके तो हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एलोट्रॉप एंड कार्बन कंपाउंड। कार्बन के एलोट्रॉप, कार्बन के चार अपर रूप पढ़ेंगे, वहां पर हम डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ग्रेफीन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे बिल्कुल डीपली एक्सप्लेनेशन से। जब चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड एंड कार्बन इलेक्ट्रॉप, कार्बन के अपर रूप और कार्बन के यौगिक। कार्बन के यौगिक मतलब कार्बन किसी और एलिमेंट से मिलकर क्या क्या कंपाउंड बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टी, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अच्छा यहाँ पे आपको याद रखना कार्बन कितने इलेक्ट्रॉप होते हैं, चार इलेक्ट्रॉप होते हैं। कौन कौन से कार्बन इलेक्ट्रॉप याद रखना, आप याद रखना आप कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफिन। इसका एक सिंपल वे से कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं आपको, फिर तो हम पढ़ेंगे बाद में। यदि आपसे पूछा जाए नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस तो आंसर आएगा डायमंड, और यदि आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस, कृत्रिम रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ग्रेफीन। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे टिन के बारे में, टिन की क्या क्या प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं टिन की क्या क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहले कहाँ कहाँ काम में आता है टिन बच्चे, तो बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है, जब हम कैन पीते ना, सॉरी कैन नहीं, सॉरी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कैन में, ठीक है, तो जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना कैन में, तो वो कैन किसकी बनी हुई होती है बच्चे, टिन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट और कहाँ पे यूज होता है बच्चे इसका, टिन का यूज होता है बच्चे, टिन का लेड और टिन दोनों का यूज होता है। किस बच्चे, जो वायर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर में तो जनरली एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, फ्यूज वायर बोल दो आप, फ्यूज वायर में मेनली फ्यूज वायर। फ्यूज वायर किस किस का बना हुआ होता है, फ्यूज वायर बना हुआ होता है टिन और लेड दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये याद रखना फ्यूज वायर, कोल्ड ड्रिंक की जो कैन है वो भी टिन की बनी हुई होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जरूर याद रखना फ्यूज वायर लेड और टिन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए लेड का नाम आया तो फिर लेड की और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे मेटल के बारे में, धातु के बारे में। जितने भी मेटल होते हैं वो सबके सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन वहां पे ये क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। भाई जितने भी मेटल हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो वो सबके सब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल और होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, एक्सेप्शन। तो वो कौन सा हो जाएगा बेटे, लेड हो जाएगा। लेड इकलौता ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो आप पॉइंट याद रखना, लेड इज द ओनली मेटल विच इज द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है लेड का, तो इसमें आप याद रखना इसका यूज किया जाता है लिपस्टिक में यूज किया जाता है। नेक्स्ट और कहाँ यूज किया जाता है अच्छे, चॉकलेट में यूज किया जाता है। देखो इसका यूज क्या है, जनरली हम इसमें यूज कर क्यों रहे हैं, देखो जनरली इसका काम होता है किसी चीज को स्टेबल करके रखने के लिए। जिस मतलब लिपस्टिक में जो लिपस्टिक होंठ पे लगी हुई होती है तो कुछ टाइम तक डटी रही, रुकी रही, इसलिए वहां पे हम इसका यूज करते हैं। सीडीएस में क्वेश्चन आया था कुमकुम और सिंदूर में कौन सा एलिमेंट होता है, तो कुमकुम और सिंदूर में कौन सा एलिमेंट होता है, लेड ही होता है। क्यों, तो कुमकुम और सिंदूर हम जिस जगह पर लगाएंगे तो वो वहां पे कुछ टाइम तक रुका रहे, कुमकुम रुका रहे, सिंदूर रुका हुआ है,
रुका रहा है तो किसकी वजह से रुका रहता है, वो लेड की वजह से रुका हुआ होता है, स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इसके चॉकलेट वगैरह में किया जाता है, और यदि इसका हमने इसको ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो हमारे बच्चे नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना चाहिए टू मच ग्लास अफेक्ट अवर नर्वस सिस्टम। लेड मतलब क्या, शीशा। ठीक है, हमारी बॉडी अंदर ज्यादा शीशा जाएगा तो हमारे नर्वस सिस्टम को ही खराब कर देगा। ठीक है, तो ये अच्छे क्या करेगा, हमारी लेड हमारे जो नर्वस सिस्टम है सोचने समझने की शक्ति उसको ही कम कर देगा, सिस्टम को ही खराब कर देगा, उसको अफेक्ट करता है। तो ज्यादा और कहाँ पाया जाता है बच्चे, मैगी के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए मैगी ज्यादा नहीं खानी चाहिए थी। ठीक है, तो मैगी ज्यादा मत खाया करो। आप देखना कभी 3-4 दिन लगातार मैगी खाना, फिर देखना आपको पेट में दर्द होने लग जाए। तो भाई जो मैगी बंद हुई थी पहले ही, वो किसी वजह से हुई थी, लेड की वजह से ही हुई थी। तभी तो आए थे बाबा रामदेव के नूडल्स आटे वाले, लेकिन अब दोबारा मैगी स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर लेड की मात्रा कम है। अब आप कहोगे सर इसमें लेड मिलाते ही क्यों है मैगी के अंदर, तो वही जो आपकी मैगी एक्सटेंड होती है ना, तो मैगी बढ़ती है, वो लेड की वजह से ही बढ़ती है, तो उसमें लेड का काम है। ठीक है, नेक्स्ट सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सिलिकॉन कैसा एलिमेंट, सिलिकॉन बारे में। तो यदि आपसे पूछा मोस्ट अवेंडेंट मेटलॉइड ऑन अर्थ, यदि आपसे पूछ जाए हम 7 मेटलॉइड पढ़ेंगे, तो इन 7 मेटलॉइड में से ऐसा कौन सा मेटलॉइड है जो अर्थ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो है बेटे कौन सा, सिलिकॉन। ठीक है, याद रखना मोस्ट अवेंडेंट मेटलॉइड ऑन अर्थ, तो क्या बता देंगे हम, सिलिकॉन। और यदि आपसे पूछ जाए मोस्ट अवेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, तो आ जाए बच्चे कौन सा, हाइड्रोजन, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पी ब्लॉक का हमने ग्रुप नंबर 13 पढ़ लिया, 14 पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़े बच्चे हम कौन सा, 13 पढ़ लिया, 14 पढ़ लिया, अब पढ़े बच्चे हम 15, ग्रुप नंबर 15, जिसको हम क्या बोले बोले बच्चे, जिसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं और निकोटोजन फैमिली बोलते हैं, इसको निकोजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन मतलब क्योंकि इसमें क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो देखो इसकी क्या ट्रिक पढ़ी थी हमने, नाना पाटेकर अरशद सब बीमार। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ मॉस्कोबियम कैसे निकालते हैं, देखो एलिमेंट पीरियड हमको पता है कौन कौन से पीरियड है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, बस एक का याद कर लो। नाइट्रोजन को पता है 7, तो सेकंड से थर्ड के लिए कितना कर दो, +8 कर दो। थर्ड से फोर्थ के लिए अच्छे कितना, +18। फोर्थ से फिफ्थ के लिए अच्छे +18 कर दो। फिफ्थ से सिक्स के लिए +32 कर दो, और सिक्स से सेवन के लिए अच्छे +32 कर दो। बस एटम नंबर जिसका निकालना है वो आपको ही निकाल लेंगे, याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर 15 में, उनका हम यूज देखते हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहां से बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में, कि नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी। तो नाइट्रोजन डिस्कवरी किसने की थी बच्चे, किसने, जोसेफ प्रेस्ली, किसने की थी नाइट्रोजन की डिस्कवरी, जोसेफ प्रेस्ली ने। वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं कि किस एलिमेंट की खोज किसने की थी, लेकिन वैसे याद कर लो एक दो एग्जाम में पूछा गया, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया। नाइट्रोजन की डिस्कवरी किसने की थी, जोसेफ प्रेस्ली ने की थी। अब देखिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए नाइट्रोजन का यूज होता है कहाँ कहाँ पे, चिप्स के पैकेटों के अंदर, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, इन सब में अच्छे किसका यूज होता है, नाइट्रोजन का यूज होता है। अब हम बात करें नाइट्रोजन का यूज क्यों करते हैं, तो अच्छे जो नाइट्रोजन क्या होता है, जब भी इसमें कुछ भी आपने भरा, चिप्स भरी, कुरकुरे भरे, तो बच्चे वो भाई ऐसा तो नहीं आज कंपनी ने बनाया तो आज ही बिक जाएंगे सारे, भाई वो कहीं आगे होलसेलर के पास जाएंगे, वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करके दुकानदार के पास, फिर दुकानदार से पता नहीं हम कितने दिनों में लाए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना, तो वो चीज खराब ना हो। ठीक है, तो इसलिए उसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के अंदर सब में नाइट्रोजन भरी जाती है, इससे क्या होता है, इससे हमारे जो प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होते।
नेक्स्ट, इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज वाहनों में भी किया जाता है, जो टायर होते हैं ना फोर व्हीलर के, टू व्हीलर के, आप जो पेट्रोल पंप पे जाके हवा भरते हो उस पर आप देखना, वहां पे लिखा वो लिखा भी हुआ होता है नाइट्रोजन गैस। तो अच्छा उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें, कई लोगों का डाउट होता है कि भाई हम एयर को सीधा भर लेते हैं, बच्चे वो जो मशीन वो एयर को सक करके बनाती है ना हवा, उसके अंदर जाता है नाइट्रोजन रहती है, तो वो और चीजों को थोड़ा रिमूव करती है, जाता है वो नाइट्रोजन को ही अंदर लेती है, ध्यान रखना। यदि हम बात करें एयर के अंदर, एयर के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है बच्चे? नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होती है, लगभग 78% के आसपास नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। फिर बच्चे 20% या 21% लगभग ऑक्सीजन होती है, 2% के आसपास और अदर गैस होती है, ज्यादातर बच्चे यही होती है, ठीक है। मेनली दो गैस होती है बच्चे, नाइट्रोजन 78 के आसपास और बच्चे 20 के आसपास बच्चे कितना होता है ऑक्सीजन होती है, और 1-2% आसपास और बच्चे की गैस होती है, ठीक है। ज्यादातर सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चे? आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे किसका? फास्फोरस की। अब देखिए फास्फोरस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखिए यहां पे नाइट्रोजन हमने पहले जोसेफ प्रेस्ट ने डिस्कवर की थी, चिप्स के पैकेट में यूज करते हैं, व्हीकल के टायर में सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस का यूज हम कहां कहां करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस के बारे में, हमारी हड्डियों में, एक तो हमने मिनरल पढ़ा था बच्चे, ब्लड में, बोन्स में, टीथ में, नेल्स सब में क्या पाया जाता है मिनरल्स बच्चे? कौन सा? कैल्शियम मिनरल पाया जाता है। और हम बात करते हैं हमारे हड्डियों में क्या क्या होता है, तो बच्चे हमारे हड्डियों में क्या प्रेजेंट होता है? फास्फोरस प्रेजेंट होता है। फास्फोरस वैसे हमारे हड्डियों में भी पाया जाता है, फास्फोरस याद रखना, हमारे हड्डियों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन कहीं मिल जाए फास्फोरस, तो फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चे फास्फोरस क्या होता है? विस्फोटक एलिमेंट होता है, याद रखना, विस्फोटक, जैसे सोडियम पोटेशियम था ना, ऐसे ये भी बच्चे विस्फोटक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट, यदि मान लो हमारे बालों में फास्फोरस तो होता है ये, एक अमाउंट से ज्यादा यदि ज्यादा फास्फोरस हो गया तो हमारे बाल कर्ली हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं किसी वजह से भाई, जैसे मान लो कहीं का हम देखा होगा कि मान लो किसी के माता पिता के बाल कर्ली है, घुंघराले, तो उसके बच्चे के भी घुंघराले होते हैं, या फिर कहीं देखा होगा आपने मान लो बाल स्ट्रेट है, नॉर्मली स्ट्रेट है, तो वो अपने बाल कर्ली भी करवाते हैं खुद से, दुकान पर जाके स्टीम लगवा के नहीं करवाते, जैसे कौन करवाता जाते हैं, हाँ कंगना राणावत को देखा होगा हमने बहुत बार, वो अपने बालों को कर्ली करवा लेते हैं, तो वो तो चलो एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, हम बात करें जनरली। तो यदि मान लो हमारे बालों में या किसी के बालों में यदि फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाती है एक अमाउंट से ज्यादा, नॉर्मल तो सभी के बालों में होता है, लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा यदि फास्फोरस पाया जाएगा बालों के अंदर, तो बाल धीरे धीरे कर्ली होना स्टार्ट कर देते हैं, कर्ली हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हमें दो तरह के फास्फोरस हमने जाते रहे पढ़ोगे, एक तो रेड फास्फोरस, एक पढ़ोगा व्हाइट फास्फोरस, तो इन दोनों का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो बेटे यदि हम बात करें रेड फास्फोरस का, तो रेड फास्फोरस का यूज करते हैं मैच स्टिक, जो माचिस होती है, तो माचिस की वो होती है ना बगल में जहां पे हम जलाते हैं तिल्ली को बच्चे, वो किसका बना हुआ होता है? मैच स्टिक वो बना होता है बच्चे, रेड फास्फोरस होता है उसमें, या फिर हमारे माचिस के आगे जो होती है जो तिल्ली होती है वो, उसमें फास्फोरस ही होता है, रेड फास्फोरस। नेक्स्ट व्हाइट फास्फोरस से कहां पे पाया जाता है? फायर फ्लाई के अंदर। अरे आपने वो रात में नहीं देखी जुगनू जो चमकते हैं व्हाइट व्हाइट फायर फ्लाई, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर व्हाइट फास्फोरस होते हैं तभी तो वो चमकते हैं। और रेड फास्फोरस कहां पाया जाता है? माचिस के अंदर रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एलिमेंट अच्छे, कौन सा? आर्सेनिक। ध्यान रखना चाहिए आर्सेनिक क्या होता है? पॉइजन है आर्सेनिक बच्चे, एक तरह क्या जहर है, ये क्या करता है? हमारी किडनी को डैमेज कर देता है। यदि किसी ने आर्सेनिक हमारे अंदर आपने इंजेक्ट कर लिया तो बच्चे ये जहर होता है, ठीक है, तो आर्सेनिक से दूर ही रहा करो बच के। नेक्स्ट बच्चे एक और एलिमेंट कौन सा? बिस्मिथ। बिस्मिथ का कहाँ यूज किया जाता है? तो बच्चे इसका यूज किया जाता है किसमें? कॉस्मेटिक चीजों में, जो कॉस्मेटिक चीज होती है, जो मेकअप की जो सारी चीजें होती है, उन सब में किसका यूज होता है बच्चे? बिस्मिथ का यूज किया जाता है, यूज इन द मेकिंग कॉस्मेटिक थिंग, जो भी कॉस्मेटिक थिंग होती है, कॉस्मेटिक चीज होती है,
आभूषण होते हैं उन सब में किसका यूज किया जाता है, बिस्मिथ का यूज किया जाता है। क्लियर सभी का? आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो ये हो गया मेरा ग्रुप नंबर 15। अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं देख लेते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रेजेंट इन द एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी जो सरफेस है, उसकी जो वायु है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायु में हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78% के आसपास, और 20 के आसपास कितना थी ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन हो जाएगी। तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिएगा। द फास्फोरस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैच माचिस इज। जो सेफ्टी मैचेस होती है, जो हमारे दिया सलाई की सेफ्टी मैचेस होती है, उनमें कौन सा फास्फोरस यूज करते हैं? उनमें यूज करते हैं कौन सा? हम रेड फास्फोरस। और फायर फ्लाई में यूज करते हैं हम कौन सा? व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, दो पॉइंट याद रखना। जो माचिस होती है उसमें यूज करते हैं रेड फास्फोरस, और जो फायर फ्लाई होती है उनमें यूज करते हैं व्हाइट फास्फोरस। दोनों फास्फोरस आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिट्टी पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 16। तो चलिए देखते हैं भाई, हमने बोरॉन फॉर्मूले फैमिली देख ली, कार्बन फैमिली दे दी, नाइट्रोजन फैमिली देख ली। ठीक है, 13 14 15 बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली देख ली। अब हम देख रहे हैं अच्छे कौन सा ऑक्सीजन फैमिली, मतलब ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में क्या आएगा? ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ट्रिक क्या आती है हमारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोनियम। लिवरमोरियम पीरियड कौन से थे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। एटम नंबर कैसे निकालते थे हम? केवल आपको एक का पता होना चाहिए ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो सेकंड से थर्ड में जाने के लिए क्या करना है आपको? +8 करना है। थर्ड से फोर्थ जाने के लिए कितना करना है? +18 करना है। फोर्थ से फिफ्थ जाने के लिए क्या करना है? +18 करना है। फिफ्थ से सिक्स में जाने के लिए अच्छे कितना करना है? +32 करना है। और सिक्स से सेवन में जाने के लिए अच्छे कितना करना है? +32 करना है। किसी भी एलिमेंट का आप एटम नंबर निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए देखते हैं जो भी एलिमेंट है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। देखो ऑक्सीजन अभी हमने पढ़ा था, यदि आपसे पूछा जाए एयर में नाइट्रोजन के अलावा सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं हम, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के दो कंपाउंड होते हैं भाई। O2 के फॉर्मी दम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। यदि मान लो हमने ऑक्सीजन के तीन कंपाउंड लेते हैं तो क्या बनती है? O3 मतलब ओजोन, ओजोन लेयर बनती है ना O3 से। बच्चे O3 ओजोन लेयर क्या काम करते हैं हमारा? अच्छे यूवी रे से हमें बताती बचाती है, यूवी रे से, अल्ट्रा वायलेट रे से, पराबैंगनी किरणों से हमारा सुरक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है भाई। जब सनलाइट आती है ना, तो सनलाइट से, या फिर इस तरह सोच बात करते हैं हम कि जब सनलाइट आती है सन से, तो सनलाइट के साथ साथ में यूवी रे भी आती है, अल्ट्रा वायलेट रे भी आती है। तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या काम करती है? सनलाइट को तो आराम से आने देती है, लेकिन सनलाइट के साथ जो यूवी रे आते हैं उसको वहीं पे रोक लेती है। ठीक है, तो उसमें हेल्प करती है हमारी ओजोन लेयर, जो कि ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, पहले कुछ टाइम पहले ओजोन लेयर में हमने पढ़ा हुआ एक छेद हो गया था, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर यूवी रे आने लग जाएगी। तो यूवी रे क्या करती है? जैसे हमारी स्किन पे आएगी तो हमारी स्किन की सेल को डेड करती है। ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर हमें कैंसर भी हो जाएगा ज्यादा अमाउंट में आ गई तो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे हम सल्फर की। आप देखिए जो सल्फर के कंपाउंड हम पढ़ते हैं, सल्फोनेट, सल्फेट, ये क्या करते हैं बच्चे? सल्फर के कंपाउंड स्मेल प्रदान करते हैं। जो स्मेल आती है बच्चे वो सल्फर के कंपाउंड की वजह से आती है। तो जो सल्फर के कंपाउंड होते हैं बच्चे कौन कौन से? जैसे फॉस्फोरस
फॉर एग्जाम्पल सल्फोनेट सल्फेट, ये बच्चे क्या करते हैं इस इनके वजह से बच्चे क्या आती है स्मेल आती है। जैसे आप स्मेल देखते होंगे ना प्याज में, लहसुन में, अदरक में, इनमें जो सब जो स्मेल होती है उसमें मेन भूमिका किसकी होती है, सल्फर की होती है, सल्फर की वजह से स्मेल आती है। तो याद रखना स्मेल इन ऑनियन गार्लिक एंड जिंजर ड्यू टू द सल्फर। तो ऑनियन प्याज में, गार्लिक लहसुन में और जिंजर अदरक में जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, सल्फर की वजह से आती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेलेनियम। तो देखिए सेलेनियम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी वो सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेनियम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए देखिएगा सेलेनियम को कहाँ कहाँ यूज आएगा। सेलेनियम को यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटिंग में इसका यूज करते हैं। सेलेनियम का यूज कहाँ करते हैं, प्रिंटिंग में यूज करते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट जिस किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर बच्चे सेलेनियम की मात्रा जल्दी हो जाएगी तो उसके अंदर जो HIV वायरस बच्चे वो जल्दी से अटैक करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो विच वुमन बॉडी हैज मोर अमाउंट ऑफ सेलेनियम, HIV वायरस आर अटैक क्विकली इन दीज बॉडी। तो याद रखना जनरली सेलेनियम का यूज होता है प्रिंटिंग के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट एक और इसका याद रखना कि यदि किसी के शरीर में सेलेनियम की मात्रा ज्यादा होगी तो उसके अंदर जो HIV वायरस है बच्चे वो क्या होते हैं, जल्दी अटैक करते हैं, उनकी जो बॉडी की HIV वायरस से लड़ने की क्षमता वो एक तरह से मान लो कम हो जाती है, तो उसमें जल्दी अटैक करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना इस चीज से, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, थोड़ा सा सेलेनियम की मात्रा कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें टेलुरियम, मतलब एक तरह से क्या चाहिए आपका, मेटलॉइड है, अपधातु है। और हमने पढ़ा था मेटलॉइड क्या होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और जितने भी मेटलॉइड होते हैं जनरली किस लिए काम आता है, जनरली ये सेमी कंडक्टर बनाने के लिए काम में आते हैं। तो टेलुरियम में क्या मेटलॉइड है, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज किया जाता है बच्चे किसके लिए, सेमी कंडक्टर बनाने के लिए बच्चे किसका यूज करेंगे, टेलुरियम का हम उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट तो ये हो गया हमारे ग्रुप नंबर 16 हो गया था। अब हम पढ़ेंगे टेक ग्रुप नंबर 17। ठीक है, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, 13, 14, 15, 16 देख ली। अब हम 17 पढ़ने बच्चे हेलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 बच्चे कौन सी फैमिली है, हेलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट बच्चे, देखो इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक देख लीजिए क्या थी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर कैसे पता करते थे, केवल आपको एक का पता चाहिए फ्लोरीन के तरफ 9। तो कौन कौन से पीरियड में के एलिमेंट थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। तो सेकंड एलिमेंट से थर्ड सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड जाने के लिए कितने ऐड करते हैं, 8, फिर बच्चे 18, 18, 32, 32। तो इस तरह हमको यदि मान लो एटो नंबर निकालना पड़ जाए तो 20 तक तो आप याद रखना, उसके बाद आप निकाल सकते हो। वैसे कभी पूछा जाए तो वैसे ये ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, एलिमेंट एटो नंबर निकालने का थोड़ी पूछेगा कभी। अब देखिए ग्रुप नंबर 17 हेलोजन फैमिली के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, कि जो एलिमेंट उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान से, जितने भी एलिमेंट बच्चे यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट है सबके सब सल्फर के साथ रिएक्शन करके बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सबके सब क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। इफ सल्फर रिएक्ट विथ एनी एलिमेंट दीज आर मेकिंग हैलाइड, हैलाइड। तो ग्रुप नंबर 17 जितने भी एलिमेंट उनसे जैसे ही सल्फर रिएक्शन करेगा तो बच्चे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हैलाइड बन जाएगा। जैसे देखो फ्लोरीन से क्या बन जाएगा, फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड, एस्टेटाइन से एस्टेटाइड और टेनेसिन से बच्चे टेनेसाइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो बेसिक प्रॉपर्टी थी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनमें से क्वेश्चन बनता है आपका। देखिए सबसे पहले हम बात करें फ्लोरीन, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए मोस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था जब सीजियम में मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यदि आपसे पूछा जाए पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो अच्छे वो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अच्छी, फ्लोरीन हो जाएगा। तो याद रखना इट इज द मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इन हाइड्रोजन ग्रुप बोल दो, या फिर एज वेल एज पीरियोडिक टेबल बोला अच्छा रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप से अच्छा अच्छा क्या आपका, सॉरी हेलोजन ग्रुप बोला, हाइड्रोजन ग्रुप तो नहीं कहेंगे, हेलोजन ग्रुप है ये। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना आप एक पॉइंट, इसमें हेलोजन ग्रुप बोल दो इसको, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप सबसे ऋणात्मक तत्व, सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा अच्छे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोमीन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मेटल नॉन मेटल इसको हम पढ़ेंगे प्रॉपरली। तो दो एलिमेंट होते हैं, एक तो मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पाया जाता है, और सेकंड होता है अच्छे कौन सा, ब्रोमीन। ब्रोमीन बच्चे क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, भूरा भूरा कलर का होता है, ये बच्चे क्या होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में, ये भी पाया जाता है कौन सा बच्चे, ब्रोमीन ही पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन की। यदि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की मात्रा में कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो बच्चे हमें कौन सा डिजीज हो जाती है, गोइटर डिजीज हो जाती है, गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है बच्चे, कौन सा रोग हो जाता है, आयोडीन कमी के कारण गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है, गोइटर डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टेटाइन, तो इसके बाद कोई बात नहीं, ये बच्चे कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट एस्टेटाइन, और हम जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस लिए काम आता है, जनरली सेमी कंडक्टर काम में आ जाते हैं, और इनका यूज और इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते क्यों हैं, वो एलिमेंट जो जिनसे अल्फा बीटा गामा रिलीज होती है, जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चे, किसके बारे में, जब हम पढ़ेंगे ना रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो धर्मिता, तो वहाँ पे कौन से एलिमेंट यूज में आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही तो यूज आते हैं वहीं पे, तम थोरियम यूरेनियम वहीं पे, तुमका रेडियम ये सब वहीं तो यूज आएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 70। अब हम बात करते हैं हमारा ग्रुप नंबर 18, सबसे लास्ट ग्रुप जिसमें हम नोबल गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 18 के बारे में, ध्यान से देखिए, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 18 में कौन सी गैस होता है, नोबल गैस, या फिर इनको बोलता है, या फिर बोलता हूं आप नॉन रिएक्टिंग गैस, जो कि रिएक्शन नहीं करती, नॉन रिएक्टिंग गैस भी बोल सकते हैं हम, नोबल गैस या अक्रिय गैस। क्या ट्रिक थी इसको याद करने बच्चे, हीना और करीना का एक्स रंगीन, ये सिंपल सीधे याद करो, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन, लेकिन ऑटोमेटिक याद देखो ताकि, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन और ऑक्सीजन। कैसे याद करेंगे, या तो वही सात पीरियड आएंगे आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। कैसे याद करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड सॉरी फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड में जाना कितना ऐड करेंगे, एट। सेकंड से थर्ड में जाना कितना ऐड करेंगे, एट। फिर अठारह फिर बत्तीस और फिर बत्तीस। तो इस तरह सभी एलिमेंट के हम एटम नंबर पता कर लेंगे। ठीक, आप देखिए जितने भी नॉर्मल गैस हैं इनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इनका वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, इस वाले पॉइंट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि जितने भी जो नोबल गैस है उनका कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, इसको थोड़ा आप प्रॉपरली ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं ध्यान से इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने बैठे किसके बारे में, हीलियम के बारे में। चलिए देखते हैं हीलियम गैस का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा था हाइड्रोजन में, यदि आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो वो है हाइड्रोजन। लेकिन यदि पूछा जाए लाइटेस्ट नोबल गैस इन पीरियोडिक टेबल
आवर्त सारणी में सबसे हल्की नॉबल गैस कौन सी है, तो वो हो जाएगा बच्चे कौन सी, हीलियम हो जाएगी। याद है ना, इट इज द लाइटेस्ट नॉबल गैस इन पीरियोडिक टेबल। और यदि पूछे सबसे हल्की गैस, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्की नॉबल गैस हीलियम, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट या सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, हीलियम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट, इसका यूज किया जाता है बच्चे किसमें, एयर बैलून में। जो एयर बैलून होते हैं ना, जो हवा में उड़ते हैं, एयर बैलून उड़ते हैं, जिन पे बैठ के जाते हैं, एक दो लोग भी ऊपर जाते रहते हैं, नीचे आग लगी रहती है, उनमें कौन सी गैस होती है, उनमें हीलियम भरी होती है। हीलियम क्या होती है, बहुत हल्की गैस होती है, ऑक्सीजन से भी हल्की होती है, इसलिए ये ऊपर उड़ा के ले जाती है बैलून को। ठीक है, नेक्स्ट, इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चे, इसका यूज हम करते हैं एयरप्लेन के टायरों में, क्योंकि बहुत हल्की होती है, और जो एयरप्लेन है उसमें वो चीज ज्यादातर हम प्रेफर करेंगे जो कि हल्की हो, भाई भारी हो जाएगी तो उड़ने में दिक्कत होगी, तो प्रेफर हम करते हैं चाहिए हीलियम गैस। तो एयरप्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है बच्चे, हीलियम गैस भरी होती है। जो नॉर्मल टायर होते हैं हमारे हमारी गाड़ी के, उनमें तो भरी होती है नाइट्रोजन, लेकिन जो एयरप्लेन के टायर होते हैं उनमें भरी भरी हुई होती है बच्चे कौन सी, हीलियम गैस भरी होती है। लेकिन क्या होती है, जनरली इसको हम सर्दियों में भरते हैं। ठीक है भाई, जनरली हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से भी काम चलाते हैं एयरप्लेन टायर में, वहां पे बच्चे क्या भर देते हैं, हम नाइट्रोजन ही भर देते हैं। लेकिन जनरली नाइट्रोजन सर्दियों में काम आ पाती है, क्योंकि जैसे ही सर्दियों के दिन आते हैं तो क्या होता है बच्चे, नाइट्रोजन जमने लगती है। ठीक है, तो यदि जम जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम फिर सर्दियों में यूज करते हैं हीलियम और गर्मियों में यूज करते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, और सर यूज कहाँ पे करेंगे, इसका और यूज करते हैं जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं भाई, जैसे मान लो आप समुद्र में नीचे स्कूबा डाइवर्स जाते हैं ना, गोताखोर जाते हैं, अपने पीछे एक सिलेंडर लगाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, उसको लेके नीचे आते हैं भाई, नीचे तो हम श्वास ले नहीं सकते, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें प्रॉपर ऐसा तो नहीं है 100% ऑक्सीजन होगी, नहीं, 100% ऑक्सीजन होगी तो आग भी लग सकती है, ऑक्सीजन सिलेंडर में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ में हीलियम गैस भी भरी जाती है। अब हीलियम गैस हम क्यों भरते हैं, उसके भी दो रीजन है, दो रीजन क्या है, एक तो बच्चे हीलियम गैस क्या होती है, सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की नॉबल गैस। सेकेंड, ये बच्चे हमारे ह्यूमन ब्लड में, हमारी बॉडी में, हमारे खून में सोल्युबल नहीं होती है, हमारे खून में घुलती नहीं है, इसलिए हमें ये कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाती, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ में हीलियम गैस भी भरी जाती है। चाहे आप जो स्कूबा डाइवर्स हो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में आप देख लो, या फिर जो हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें बेटे क्या भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है ऑक्सीजन के साथ साथ में। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं इसमें हम, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ स्कूबा डाइवर्स के जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें भी हीलियम गैस भरी जाती है, बिकॉज इट इज नॉन सोल्यूबल गैस इन ह्यूमन बॉडी, या फिर बोल दो ह्यूमन ब्लड, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें ये घुलते नहीं, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोन गैस, नियोन गैस का कहाँ यूज करते हैं, नियोन गैस का यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना दुकानों में या कहीं किसी चीज में, तो उनमें कौन सी गैस भरता है, नियोन गैस भरी जाती है जनरली। ठीक है, और हम बात करते हैं आर्गन, देखो आर्गन के बारे में बात करें, यदि पूछ जाए पूरे एनवायरनमेंट में, पूरा पर्यावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली नोबल गैस कौन सी बच्चे, वो कौन सी, आर्गन गैस, मोस्ट अवंडेंट नोबल गैस इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली नोबल गैस कौन सी बेटे, आर्गन। और यदि हम बात करें इसका और कहाँ यूज किया जाता है, वैसे इसका यूज टंगस्टन फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए भी हम आर्गन का यूज किया जाता है। अब हम कहेंगे टंगस्टन फिलामेंट होता क्या है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होते हैं, कि आपने तार देखा होगा इस तरह स्प्रिंग सी देखी होगी, जैसे स्पेशली आपने यदि आपने देखा होगा 100 वाट के बल्ब के अंदर इस तरह दो तार से होते हैं, उनके जो एक पतली सी स्प्रिंग होती है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट, जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, तो उसके अंदर बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, वहां पर आर्गन गैस हम भरते हैं, क्योंकि उससे क्या होगी, उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। ठीक
ठीक है, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम किस गैस के बारे में बात करते हैं, क्रिप्टॉन गैस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्रिप्टॉन गैस का यूज कहां पे होगा, तो क्रिप्टॉन गैस का यूज किया जाता है बच्चे किसके लिए, फ्लैश लैंप पे, जो हमारे फ्लैश लैंप होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी हुई होती है बच्चे, उनमें क्रिप्टॉन गैस भरी हुई होती है, फ्लैश लैंप में क्रिप्टॉन गैस का यूज होता है। और कहां यूज होता है बच्चे इसका, जो फ्लोरोसेंट लाइट होती है उनमें बच्चे, फ्लोरोसेंट लाइट मतलब जो सर्दियों में, जो सर्दी मतलब कहीं भी गर्मियों में मान लो इसकी बात नहीं है, तो साथी होते हैं उनमें जो नहीं होती है फ्लोरोसेंट लाइट, जो चमकती है, जो ट्यूबलाइट जैसे सिर पे लेके चलते हैं, उनमें सब में क्या होता है बच्चे, क्रिप्टॉन गैस भरी हुई होती है। और इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे बच्चे, क्रिप्टॉन गैस का यूज करते हैं बच्चे, और कहाँ पे, जो एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स एंड लाइट हाउसेज, जो घरों में जो लाइट होती है और जो एयरपोर्ट लैंड करता है तो बच्चे वहां पे जो लाइट होती है, या फिर हमें वो नहीं थे वो डंडे से देखे होंगे काम करने वाले, चमकते रहते हैं, उनमें बच्चे कौन सी गैस भरी होती है, क्रिप्टॉन गैस भरी हुई होती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जिनोन गैस के बारे में। तो देखिए जिनोन गैस का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए स्ट्रेंजर गैस कौन सी होती है, तो स्ट्रेंजर गैस बच्चे कौन सी होती है, जिनोन गैस। स्ट्रेंजर गैस मतलब ऐसी गैस जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, कई देशों में होती नहीं, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी गैस, मतलब ये जो जिनोन गैस होती है ना कई देशों में पाई नहीं जाती, बिल्कुल विलुप्त होती है, ठीक है, इसलिए इसको जिनोन गैस को हम बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। और इसका यूज कहाँ पे, कहाँ में, कहाँ पर इसका यूज होता है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है फ्लैश लाइट ऑफ कैमरा इन मोबाइल, जो मोबाइल की हमारी फ्लैश लाइट होती है, तो फ्लैश लाइट में जो गैस होती है वो कौन सी गैस भरी हुई होती है, जिनोन गैस भरी हुई होती है हमारी जो फ्लैश लैंप होती है मोबाइल के उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रेडॉन गैस के बारे में। तो देखिए हमने बात की सबसे पहले सबसे हल्की गैस कौन सी, हाइड्रोजन, सबसे हल्की नोबल गैस हीलियम। अब यदि पूछा से सबसे भारी नोबल गैस, तो सबसे भारी, सबसे हैवीएस्ट नोबल गैस कौन सी होती है बच्चे, रेडॉन गैस सबसे हैवीएस्ट नोबल गैस होती है, नॉन रिएक्टिव नोबल गैस कौन सी होती है, सॉरी हाँ देखो दोबारा समझो इस चीज को, क्वेश्चन यदि पूछा जाए सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्की नोबल गैस हीलियम, लेकिन सबसे भारी नोबल गैस रेडॉन। रेडॉन को यूज कहाँ करते हैं, इसका हम यूज करते हैं कहाँ पे, एक्सरे मशीन में भी यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है रेडॉन कहाँ पे, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो वो कौन सी गैस बच्चे, यहाँ पे रेडॉन गैस का यूज किया जाता है, जो थेरेपी होती है कुछ उनमें रेडॉन गैस का यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट। आप देखिए तो फिर इस क्वेश्चन को भी कर दीजिए, यदि हमने पढ़ लिए सारी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन की, जो बच्चे ध्यान से मैथ लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, एक तरह आपको नोबल गैस दे रखी है, एक तरह आप उनका यूज दे रखा है, देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा यहां पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जिनोन का कहां कहां यूज करते हैं, देखो जिनोन गैस को तो हम अजनबी गैस बोलते थे, उसका यूज करते थे मोबाइल के कैमरे में, तो लाइट इन फोटोग्राफर फ्लैश गन, ये तो जाएगा बच्चे इसमें थर्ड में। आर्गन हीलियम, नियोन गैस का हम यूज करते थे, नियोन का हम यूज करते थे डिस्प्ले लाइट में, नियोन आ जाएगा बच्चे फर्स्ट में, ठीक है। फिर यदि हम बात करना चाहिए, सॉरी नियोन का अच्छे, नियोन का तम एयरपोर्ट लैंडिंग वगैरह हम करते ना, ये गलत हो गई, ये इसको थोड़ा इरेज करो, अभी पढ़ा भी था हमने यार, देखो अभी पढ़ा था ना हमने, नियोन गैस एयरपोर्ट एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में करते थे ना, गलत कहाँ से हो रहा है, नियोन का हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले, ये इसमें हो जाएगी, सॉरी नियोन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले, तो ये तो किया था हमने, सॉरी आर्गन कर दिया था ना, नियोन को एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले में। आर्गन का यूज कहाँ करते थे, आर्गन का हम यूज करते थे
टंगस्टन फिलामेंट मतलब कहाँ है, टंगस्टन फिलामेंट को बढ़ाने के लिए एक का चार हो जाएगा। तो एक का चार, तो ए भी तो वैसे गलत, बी का थे फर्स्ट ये सही, सी का क्रिप्टॉन हाँ ये हो जाएगी, और डी जिनोन का थे तीन, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर छः क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे, देखिए यहाँ पे रेड ऑन एज, रेड ऑन क्या है, तो दिख तो नहीं रहा, ये दिख रहा ना, बिल्कुल रेड ऑन क्या है, इनर्ट गैस, सक्रिय गैस है। सक्रिय गैस मतलब इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए रेड ऑन को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, नॉवल गैस, या फिर बोल दो नॉन रिएक्टिव गैस, बात एक ही है बेटे। ठीक है, अब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी है, उनका हमें प्रॉपर्टी वहां पे पढ़नी पड़ेगी। अब देखो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ कौन कौन से ऑर्बिट में कितने कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे बैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, एटम रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ फिर एक दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। तो इसके बाद एक और लेक्चर में पढ़ना, ये तीसरा लेक्चर था, एक और लेक्चर मतलब चार लेक्चर में हमारी पीरियड टेबल कंप्लीट हो जाएगी, थ्योरी प्लस PYQ। ठीक बेटे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।